ऐसा महबूब जब चाहे मक्खियों से ज्यादा छोटे लोगों को इकट्ठा कर सकती है, उन छोटे लोगों को जो फ्लोर कुशंस पर बैठे। सारी दुनिया उसकी असलियत को जानती है। इसका ड्राइवर है ना, सारा दिन तो उसका उसे दवाइयां खिलाने में गुजर जाता है। वेलकम बैक। आपने प्रोमो देखा नेल पॉलिश का, जो हुमैरा आबिद अली हैं, हुमैरा अली जो हैं उनका जो कैरेक्टर है वो एक स्टार मेकर का है। एक ऐसी खातून जो स्टार्स बनाती हैं, होती ना मॉडल्स होती हैं, मगर ये वो लोग होते हैं जो स्टार्स बनाते हैं। तो असल में ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं जो आपने जब ये शो ड्रामा किया, शो और ड्रामे में फंस गई हूँ जब आपने ड्रामा किया, तो जो ये कहानियाँ हुई इन रियलिटी ऐसा होता है? सम एक्सटेंट होता है। जब आपको नहीं एक चीज़ का पता होता तो उसको, हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बल्कि बाकी इंटरनेशनली भी देखा जाए, जब आपको एक चीज़ का पता नहीं होता तो आपको वहाँ पे ऑब्वियसली मिसयूज किया जा रहा होता है। लेकिन अगर आपको हर चीज का क्लियरली अगर पता हो तो वहाँ पे आप अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा एक हमारे पास सरप्राइज कॉल आ गई, जो मैंने बात की थी वो अल्लाह ने रख ही ली। अदील आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन? जी मैं अदील साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये आप कुछ बन के बोल रहे हैं? जी मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं बस अदील साहब को कहना था कि वैसे भी हम लोग तो इनका प्रोग्राम जब भी आया जरूर देखा है। बस आज वो आए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई इन्हें देख के। अदील भाई कैसे हैं आप? पहचाने कौन है? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये पश्तो फॉर्मेट में समझ नहीं आ रहा। अदील भाई पश्तो की तो बात नहीं है, हम आपके बहुत करीब होते हैं, आप पहचानते ही नहीं है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए मेरा सिर्फ कैरेक्टर ट्विंकल का है। अच्छा जी, गैस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, बता दें। अच्छा अदील भाई मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ रेफरेंस। आप मैं रोज मिलते हैं कम अज कम 9 से 10 घंटे। Someone from workplace? Yes. Okay, कौन? नहीं पहचान रहे, वो आप इतना क्लोज नहीं है। नहीं करें, वाकई में कसौटी के टाइम नहीं है, बता दो। बताइए, बेहोश हो जाएंगे थोड़ी देर। कौन बोल रहा हूँ? तनसीर बोल रहा हूँ। तनसीर, ओह माय गॉड। अच्छा तनसीर प्लीज, मुझे, मैंने तुम्हारे रूप कभी नहीं देखा था, तुम्हें ऑडिशन के बाद में बुलवाता हूँ। लेकिन एक थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक्स अ लॉट। इस टाइम पूरे ऑफिस में सारे हम लोग बाहर खड़े हैं और टीवी पे आपका शो देख रहे हैं। ओह वाह, क्या नेटवर्क है हमारा। आई लव टाटा कर दें सबको, सारे खड़े हैं सामने। अच्छा टाटा कर दें। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड, थैंक यू नेबर्स, देयर कैट हू वोक मी अप इन द मॉर्निंग। थैंक्स अ लॉट तनसीर। बहुत शुक्रिया तनसीर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा तो ये वर्क प्लेस के आपके? या ये वर्क प्लेस से शुक्र है क्लियर हो गया। अच्छा आप कुछ क्लियर करना चाह रही थी जो आपने बात कही थी? नहीं आप, मेरा ख्याल है मिट्टी पाओ, है ना? नहीं मिट्टी नहीं, मैंने गलत बात कर दी, मुझे अब्दुल्लाबाद में एमी फिर अच्छा I was talking about the character, right? Maybe he was more comfortable working with him, लेकिन एक चीज जो हम सब सोच रहे थे कि अभी आएगा, अभी आएगा, अभी लगेगा कि करता है प्यार, अभी लगेगा, लेकिन वो नहीं लगा। वो मे बी, क्यों नहीं लगा भाई? वो इसलिए नहीं लगा, शादी होने वाली थी ना तो वो जरा वो कम हो गया था। किसकी शादी होने वाली थी? You got married? Yes. Oh, congratulations. So, अब next time बेगम के साथ आने? हाँ जी, sure, inshallah, definitely. अच्छा मुझे बताओ आगे एक्टिंग का है कोई सिलसिला इसके अलावा? पता नहीं, अजीब सी बात है ये। ये हम बाद में, मैं फोन करूंगी जी सहेली बन के। अच्छा बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि ये एक अजीब सी कश्मकश है। ऑफर्स है, एक दो और स्क्रिप्ट आए हैं, बट आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इट डायरेक्टर बन के। अच्छा चलो इंशाल्लाह। जो मैं बताऊं, हम यही बात कर रहे हैं रहमा, कि हम लोगों को वो करना चाहिए जो आपको खुशी दे अंदर से। और मैं डायरेक्टर इसलिए बनना चाहती हूं क्योंकि मैं बेहतर काम करना चाहती हूं। बहुत अब तो शुक्र है शुरू हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट, लाइवली, क्लोजर टू रियलिटी। रियलिटी नहीं बना रहा कोई भी अभी तक, ये हमने बनाया कोशिश की लेकिन मगर ये ड्रामा वाकई जो आर राइट कि बड़ा क्लोज टू रियलिटी। अच्छा अदील मुझे बताओ कि जो आपका कैरेक्टर है उसमें सबसे जो डिफिकल्ट सीन था आपके लिए करना, जो कोई ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई? सबसे डिफिकल्ट सीन ये था कि वो जब मैं
रामा को हरास करता हूँ और वो मेरे पास आती है. आई एम नॉट लाइक यू नो दिस बट वो एक इस तरह था कि वो सीन मुझे खुद करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे बिकॉज़ आई एम नॉट लाइक दैट. एंड ही वाज एक्चुअली जब कट हुआ ही इज लाइक आई एम सो सॉरी. ओह गॉड. आई मीन आई वाज जस्ट लाइक यू वर हरासिंग हर. आई मीन आई वाज जस्ट डिस्ग्रेसिंग हर एंड आई वाज जस्ट कॉलिंग हर नेम्स दैट यू नो. मतलब अभी प्रोमो चला था आपने शॉट देखा होगा. उसमें होता है कि जी वो उसको उसका मेकओवर करता है और बहुत गलत किस्म का मेकओवर कर देता है और मरून ब्लश लगाना है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं सारा और वो मैं कर रहा था और बहुत ज़्यादा बेची तरीके से. ओके नेक्स्ट गो इस टाइम की चीज़. तो वो एक चीज़ थी कि जो मैं नहीं करना चाहता उसके बाद बाकी में मुझे मतलब आई रियली फेल बैड अबाउट इट एंड आई जस्ट अपोलोजाइज के जी रहमान सॉरी. अच्छा बेटी कैसी हो ये बताओ. बेटी सही सही बताने ऑनेस्टली प्यार बहुत करती है मामा मुझसे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो होगी बात. लेकिन आई डोंट टेक माई सेल्फ एज अ गुड डॉटर क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और फिर हमें बाद में मुझे एहसास होता है लाइक 15-20 मिनट बाद के ओह गॉड आई शुडंट हैव सेड दिस टू हर. यू रियलाइज दैट. हाँ अच्छा दैट्स और फिर बाद में जाके हग शक कर लेते हैं या जो भी. तो मामा क्योंकि मेरी माँ एक अमेजिंग औरत है आपको तो आपसे बेहतर कौन जानता है. मतलब इतनी मेहनत करने वाली और बहुत अच्छी खातून है. स्वीटनेस शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट आल्सो. हां बहुत उन्होंने गो थ्रू फिर भी मतलब हम लोग बहुत जिद हुए हैं हर चीज़ हम चिड़े रहते हैं हर चीज़. और वो फिर ही होंगी डांस करती करती हमारे सामने आ जाएंगी फिर उठ के. लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको उनका सहारा बनने की जरूरत है. आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें खुश करने की जरूरत है. आई ट्राई दैट. आई एम दी ओनली डॉटर या दी ओनली पर्सन घर पे मामा के बाद जो इसको बात कर दिया उसको पॉइंट मार दिया झुकते करती रहती हूँ. यू नो दे कीप लाफिंग और मामा बहुत खुश होती हैं इस चीज़ से कि इस तरह ही रहना चाहिए. बिल्कुल. तो आई She is happy, but she, I'm like sure. मुझसे लेकिन I still don't think I'm a good daughter because हम good daughter वो होगी जो अपनी माँ को दुखी ना पहुँचाए बिल्कुल भी. तो वो जब कमी रह जाए थोड़ा unnatural है ऐसा नहीं होता मगर कोई जो एहसास कर ले एहसास कुछ बुरा करके. अच्छा हर लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है. तो अच्छा ये बड़ी एक क्लीशे सी बात है लोग ये हमेशा पूछते हैं बल्कि मैंने एक जगह शकील सिद्दीकी साहब कमेंट्री भी ले रही थी तो मैंने उनसे ये सवाल किया तो जवाब पूरा सवाल मैंने कंप्लीट नहीं किया और उन्होंने कंप्लीट किया. मैंने कहा कहते हैं कि लोग जब लोगों को हंसाते हैं तो कहते हैं तो आगे से उन्होंने बोला तो वो खुद खुश नहीं होते. एग्जैक्टली.